हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू हॉट एंड सॉर चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ रिंग समोसा की रेसिपी, जो देखने में जितना ये सुंदर लग रहा है, खाने में इतना ही टेस्टी भी है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये रेसिपी शुरू करें, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अपना कमेंट देकर भी बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए हम रिंग समोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। रिंग समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे का डो लगा के तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप मैदा, और इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हाथ से हम अच्छे से मिक्स करेंगे, जिस तरह से ब्रेड क्रम्स होते हैं इस तरह से इसका टेक्सचर तैयार करना है। देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक हम डो तैयार करेंगे। डो हमारा ना तो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा हार्ड। जिस तरह हम पूड़ियां बनाने के लिए आटा लगा कर तैयार करते हैं, हमें ठीक वैसे ही डो लगा के तैयार करना है। देखिए, इस तरह का हमने ये डो लगा करके तैयार कर लिया है, और अब हम इसको रख देते हैं ढक के 10 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए, और तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। इस स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे, और उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल जब हमारा गरम हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ। तो हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम यहाँ पर डालेंगे पोटैटो। मैंने 3 उबले हुए आलू लिया था, मैश कर लिया है। अब हम इसको डाल देंगे, और साथ ही हम अपने स्टफिंग में डालेंगे पनीर। ये मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है, और इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसको भी डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे हल्दी, ये मैंने थोड़ा सा हल्दी लिया है 1/4 चम्मच, इसको डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको डाल देते हैं। नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच आमचूर का पाउडर, और इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1/2 चम्मच गर्म मसाला। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे मैं कोई ड्राई फ्रूट्स का यूज नहीं कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पर चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। 10 मिनट हो गए हैं, और ये हमारा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। एक बार और हम इसको अच्छे से मसल लेंगे, और उसके बाद हम इसकी लोइयां बनाएंगे। मसलने के बाद अब हम इसकी लोइयां बना लेंगे, रोटी के जितनी हम इसकी लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम एक लोई लेंगे, और इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसको एक रोटी के शेप में बना लिया है, और अब हम इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। इसका ये एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे। उसके बाद हम इसके हाफ पार्ट में से ऐसे कट के निशान लगाएंगे। अब हम इसपे 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे। और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये
देखिए हमने इसको फोल्ड कर दिया और अब हम इसके एजेस को सील करेंगे। इसको सील करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच मैदा, इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको एक घोल बनाएंगे। इसका ये इस तरह का घोल हमने तैयार कर लिया है और अब हम इस पे थोड़ा सा ये घोल लगाएंगे इस तरह से और इसको हम सावधानी से चिपका देंगे। और देखिए इस तरह से हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है और हमारा एक ही समोसा बनकर तैयार है। इसी तरह से हम सभी समोसे को बना के तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी समोसों को बना करके तैयार कर लिया है और यहाँ पर एक पैन में मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। हम मीडियम गर्म हमारा तेल होगा, उसमें हम समोसे को तलेंगे। तो हम पहले एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर लेते हैं। तेल हमारा गर्म है और अब हम इसमें समोसे को फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक एक करके अपने समोसे डालते जाएंगे। और अब हम इसको समोसों को दोनों तरफ से पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा रिंग समोसा बनकर तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा रिंग समोसा बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यम्मी और डिलीशियस समोसा बनके तैयार हुआ है। और अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक देकर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।